सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। इंजीनियर्स किचन में आप सबका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं कैलाश पर्वत में। ये कैलाश पर्वत रेस्टोरेंट है, ये अभी रिसेंटली भोपाल में ओपन हुआ है इसका आउटलेट। इसके ब्रांचेस इंटरनेशनल भी है। बताना चाहूंगा आपको कि ये रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था 1952 में मुंबई में, वहां से ये स्टार्ट हुआ था और आज ये भोपाल में है। तो चलिए चलते हैं कैलाश पर्वत में और जानते हैं क्या स्पेशल मिलता है यहाँ पर। अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं इस रेस्टोरेंट के ओनर। चलिए जानते हैं इनसे कि कैसे स्टार्ट हुआ ये रेस्टोरेंट। देवेश, ये कैलाश पर्वत जिसकी हम लोग फ्रेंचाइजी भोपाल में लेके आए हैं, इट एक्चुअली स्टार्टेड इन 1940s। द बुलचंदानी ब्रदर्स दे यूज्ड टू डू दिस बिजनेस इन कराची पाकिस्तान। आफ्टर इंडिपेंडेंस दे शिफ्टेड टू मुंबई एंड उनका जो पहला रेस्टोरेंट है दे स्टार्टेड इन धाबा इन 1952। So initially they started with the charts and dinings, and now this chain has evolved into fine dining system also. So slowly and gradually they have increased in India, and in Hindustan ke andar bhi number of outlets hai unke, uske hisab se jo international hai, international outlets mein unke saath unke bahut jyada hai, specifically in USA, Singapore, you find Canada, Middle East. So there are also a lot of outlets of KP. So KP has expanded in a very great manner, in a very big manner, you can say. और जो KP की history को हमने देखा हो, उस history को analyze करने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि आज भोपाल में जो खाने की शौकीन लोग हैं उनको आज इसी तरह के ब्रांड की जरूरत है। सो विद दिस थॉट वी ब्रॉट द कैलाश पर्वत ब्रांड एट भोपाल। सेकेंडली मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो फेमस है इसका बेसिकली चार्ट्स के मामले में कैलाश पर्वत की अपनी एक आइडेंटिटी है, एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ अराउंड सेलिंग 300 मिलियन चार्ट्स। तो आप समझ सकते हो इसी से कि जिस लेवल का इनका लेगेसी है वो एक अलग ही लेगेसी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चार्ट्स के साथ दे हैव ऑल्सो इन्वॉल्व इन फुल फाइन डाइनिंग सिस्टम ऑल्सो इन्वॉल्व इन फाइन डाइनिंग सिस्टम। एंड सब उसके बाद फाइन डाइनिंग सिस्टम में आने के बाद यू कैन फाइंड इटालियन डिशेज, यू कैन फाइंड कॉन्टिनेंटल डिशेज, यू कैन सी द चाइनीज डिशेज, अगेन दे आर वेरी वेरी ऑसम। और उसमें भी दे हैव डन रिमार्कफुली वेल एंड पीपल आर लाइकिंग द टेस्ट और दे आर रियली एंजॉयिंग। तो आपने जान लिया यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, तो चलिए टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या ऐसा स्पेशल है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया और इंडिया के बाहर भी ये मिलता है। तो चलिए सबसे पहले टेस्ट करते हैं चाट यहाँ का कि कैसा बनता है चाट। Thank you.
जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारे सामने रखा हुआ है चाट प्लेटर। इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है, इसमें सेव पूड़ी भी दिख रहा है मुझे एंड दही पूड़ी भी है, कॉर्न बास्केट भी है। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या है और ये कैसे बना है। तो जैसा आप देख रहे हो, ये चाट प्लेटर है और चाट प्लेटर हमारा केपी का सबसे स्पेशल डिश है इन टर्म्स ऑफ चाट्स। एंड यू विल फाइंड अ सीरीज ऑफ थिंग्स इन दिस, वेयर इन यू विल फाइंड द फर्स्ट थिंग इज भेलपुरी, सेकंड इज दही पुरी, थर्ड इज आवर फेमस क्रिस्पी कॉर्न बास्केट एंड सेव बटाटा। सो इट्स अ मिक्स ऑफ कॉर्न्स, सेव्स, भेल, पूरा मिला के इसको बनाया जाता है। एंड मैं चाहूँगा कि इसको आप टेस्ट करें and feel that taste and let the public know how it feels like। आपको मैं बताना चाहूँगा, इस प्लेट में जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ये सब कुछ यहाँ पे बनता है। यहाँ पे जो ये सेव है ये भी यहाँ बनता है, और जो यहाँ पूड़ी है या कुछ भी है, जो भी मतलब ये सारा इनके किचन में बनता है, कुछ भी चीज़ें बाहर से नहीं खरीदी जाती हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं इसे कि कैसा बना है। अगर आप मुंबई आते हैं, आप वहाँ पे ट्राई करते हैं अगर आप सेव पूड़ी, तो वैसे ही सेम टेस्ट है। स्पेशलिटी है इनकी ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, तो एक फ्रेशनेस है खाने में, बहुत ही कुछ इसमें ज़्यादा मसाला नहीं है, सिंपल सा है लेकिन बहुत टेस्टी है। ये था दही पूड़ी। एक अच्छी बात इसमें ये थी, बहुत फ्रेश दही है इसमें। इसमें फिलिंग आलू की है, थोड़ा सा आलू है, और इसके ऊपर जो अनाज जो डले हुए हैं इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो थोड़ा सा मीठापन भी लेके आता है इसमें, बहुत ही अच्छा है ये भी। ये जब भी मैंने टेस्ट किया था वो क्रिस्पी बास्केट कॉर्न चाट था, एंड इसमें बेबी कॉर्न है, टमाटो था, अनियन था, चटनी थी। पहली बार मैंने ट्राई किया, बहुत टेस्टी था, आपको भी ट्राई करना चाहिए। ये भी एक मुंबई का बहुत ही फेमस चाट है। ये था सेब बटाटा पूड़ी। इसकी जो पापड़ी है बहुत ही टेस्टी है, अलग से बता रहा हूँ, पापड़ी बहुत टेस्टी है, ये फ्रेश यहाँ पे बनी हुई है। बहुत जगह मैंने देखा, ये खाया भी बहुत जगह, एक चीज़ देखा ये फ्रेश नहीं होती है, इस वजह से टेस्ट अच्छा नहीं होता है इसका। चार चीज़ों का टेस्ट एक प्लेट में बहुत टेस्टी था। कभी यहाँ आए आप तो ये ज़रूर ट्राई करें। ये हमारे पास है छोला भटूरा। छोला भटूरा तो बहुत कॉमन सुना होगा आपने, लेकिन ये भटूरा हमारे पास दो डिफरेंट टाइप्स के हैं। एक है हमारा मसाला भटूरा और एक है हमारा कसूरी मेथी। कसूरी मेथी बहुत अच्छा टेस्ट लाता है खाने में। चलिए देखते हैं कि कसूरी मेथी का भटूरा कैसा लगता है, पहले जानते हैं कि कैसे बना है ये हमारे साथ बैठे हुए हैं केपी के इंडियन शेफ, तो इनसे जानते हैं कि तो कैसे बनता है यहाँ पे भटूरा। घीला पड़ता है, दही पड़ता है, थोड़ा सोडा पड़ता है, थोड़ा नमक पड़ता है, उसके अलावा पानी डालते हैं, थोड़ा पानी डाल के थोड़ा सान के बाद उसके बाद थोड़ा तेल डाल के मालिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेथी फ्राई करके उसको मेस करके मैदा में मिक्स किया जाता है, उसके बाद ऑयलिन में फ्राई किया जाता है। मसाला भटूरा जैसे आप देख रहे हैं, मैदा जैसे लगाया वैसे, ठीक है। उसमें थोड़ा किचन किंग, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर मिक्स करके फिर मालिश करके उसको गोली काट के फिर भटूरा फ्राई ऑयल में डालते हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं कि कैसा बना छोला भटूरा। ये है मसाला भटूरा, बहुत मसालेदार टेस्ट है इसका।
एंड चलिए खा के देखते हैं कैसा लगता है ये। बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहली बार ट्राई किया है। छोला भटूरा बहुत जगह खाया मैंने, बहुत फेमस जगह पे खाया मैंने छोला भटूरा, लेकिन ये जो भटूरा है इस छोले के साथ अमेजिंग टेस्ट कर रहा है। और दूसरी बात मैं देखा यहाँ पे जो छोला है, यहाँ पे छोले का साइज बहुत बड़ा है, तो ये बताया मुझे ये छोला इतना बड़ा कैसे है? कौन सा छोला यूज़ करते हैं आप लोग? काबुली चना। काबुली चना है जी, वाइट चना। तो आपने देखा कि कहा ये नॉर्मल छोला नहीं है, तो अगर आपको छोला खाना है, यहाँ का छोला भटूरा खाना है, तो आपको केपी ही आना पड़ेगा, इसके सिवा आपको कहीं नहीं मिलने वाला इतना बड़ा छोला। ये भटूरा है कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी का एक अपना स्वाद होता है। अगर किसी भी खाने में कसूरी मेथी है तो आपको उसकी टेस्ट आ जाती है। जिसका ये भटूरा है, एक हल्की सी स्वाद कसूरी मेथी की आ रही है, बहुत ही टेस्टी है ये। दोनों भटूरा बहुत ही यूनिक था, कभी भी मैंने भटूरा डिफरेंट टाइप के टेस्ट नहीं किए। मैंने हाँ भटूरा ट्राई भी किया है, एक बार मैंने पनीर भटूरा खाया था, बट ये टोटली डिफरेंट है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने देखा है ये सिर्फ और सिर्फ केपी में ही मिलेगा, कैलाश पर्वत में ही मिलेगा। हमारे सामने रखा हुआ है पेस्टो कोटेज चीज, नाम तो मैं ठीक से पता नहीं बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। चलिए जानते हैं नील कमल जी से, जो यहाँ के चाइनीज शेफ है, कि क्या नाम है इसका और कैसे बना है। इसका नाम है पेस्टो कोटेज चीज। एक्चुअली सर ये रेड येलो पेपर, उसको ट्रायंगल काटा गया, सैलरी ऑनियन गार्लिक, उसको ऑयल में टॉच करके सैलरी डाल के उसको फिर टॉच करके रेड येलो पेपर से पेस्टो सॉस डाल के उसको ऊपर से सेजवान सॉस डालो, फिर उसको टॉच कीजिए पनीर को, फिर उसके बाद ये बनता है पेस्टो कोटेज चीज़। ओके, और ये सॉस किस चीज़ का है? जी सर ये बेसिल का है, इसको एक्चुअली पेस्टो सॉस बोला जाता है, बेसिल ऑलिव एंड गार्लिक उसको मिक्स करके फिर बनाया गया। तो चलिए टेस्ट करते हैं ये क्या है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली, लेकिन टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने में पता चले क्या है ये। सॉस में यूज़ किया गया है जो है, सबसे पहला बेसिल लीफ, ये साथ में चॉप्ड गार्लिक है एंड बादाम का इसमें एक अलग सा स्वाद आ रहा है। जब आप इसे खाओगे तो छोटे छोटे पीसेस बादाम के मुंह में टेस्ट कर रहे हैं इसके, जो बहुत अलग बनाते हैं इसे और बहुत टेस्टी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। पहली बार ट्राई किया था मैं सोच रहा था क्या है ये, मैंने नाम भी नहीं सुना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ज़रूर ट्राई करें, केपी आए ज़रूर ट्राई करें इसे।
ये मेरे सामने रखा हुआ है कोरल मिस्ट। ये एक मॉकटेल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इसे सर्व किया गया है। एक ट्रेडिशनल जो पुराना दूध आया करता था, देखा होगा आपने मूवीज में, उस तरह का एक ये ग्लास है और सर्व किया गया है। एंड चलिए जानते हैं ये कैसे बना है। मिस्ट नाम है, इसमें बनाना कीवी वनीला एंड मिल्क मिक्स होता है, इसका नाम मॉकटेल है, कोरल मिस्ट हो गया। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसमें। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि एक तो बनाना का जो बेसिक फ्लेवर होता है बनाना का फ्लेवर है, और उसके ऊपर है कीवी, तो कीवी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा है और बनाना का कम आ रहा है, लेकिन जो फ्लेवर है, जो मिक्सचर बन रहा है, वो बहुत ही टेस्टी है और इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, पहली बार मैं सब चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन लगा। ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी देखा नहीं है, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, बहुत ही अच्छा टेस्ट कर रहा है, तो इसे ज़रूर ट्राई कर। तो चलिए जानते हैं कस्टमर से कि कैसा लगा नई रेस्टोरेंट। तो मैम आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा है क्या, एम्बियंस काफ़ी अच्छी है एंड सर्विस आल्सो, स्टाफ इज़ वेरी लाइक हेल्पफुल एंड अटेंटिव, दैट आई लाइक मोस्ट। एंड आई टेस्टेड टू थिंग्स देयर जस्ट नाउ, वो माई कॉर्न बास्केट, क्रिस्पी कॉर्न बास्केट एंड आलू टिक्की, दे वर वेरी गुड। I like the taste of the food also, so I booked for my kitty also here. And I, overall, a nice experience. So, आपको 5 star में से कितना star देना चाहिए यहाँ पे? I will give 4. तो बेटा आपको सबसे अच्छा यहाँ पे क्या लगता है? क्या खाया था आपने यहाँ? Corn crispy basket और आलू टिक्की मम्मी ने खाई थी। मैंने corn crispy basket खाई थी, वो बहुत tasty थी और मैंने नया कुछ try किया। जैसा कि आपको मैंने रेस्टोरेंट दिखा दिया, यहाँ के खाने टेस्ट करा दिए, अपना रिव्यू बता दिया, अब आप यहाँ आए खुद टेस्ट करें खाने को कैसा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट देखें, यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, यहाँ पे हाइजीन का बहुत ख्याल रखा गया है। किचन भी देखा मैंने, किचन भी बहुत ही हाइजीनिक था, गंदगी कहीं नहीं थी, और लास्टली फूड औसम था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि कैसा लगा आपको ये रेस्टोरेंट। और अगर आप चाहते हैं किसी और रेस्टोरेंट का रिव्यू तो वही मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट संडे हम लोग मिलेंगे एक नए रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट की रिव्यू के साथ। तब तक आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।